नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12 भौतिक शास्त्र अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। आज हम टॉपिक में बात करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं, कूलाम की परिभाषा और साथ ही साथ कूलाम के नियम का महत्व और सीमा। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक की, क्योंकि हम कभी भी कोई भी चैप्टर प्रारंभ करें यदि इसका बेसिक देखेंगे तो हमें वह नियम अच्छे से याद रहेगा। तो कूलाम का नियम प्रारंभ करने से पहले, आप सभी को पता है आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धन और दूसरा होता है ऋण। इन आवेशों में जब यह समान प्रकार के होते हैं, या तो धन धन हो या ऋण ऋण हो, तब क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण। और जब इनकी स्थिति ऋण धन या धन ऋण या फिर ऋण धन हो तब क्या पाया जाता है, आकर्षण। इन्हीं आवेशों के परिणामों पर कूलाम ने सन 1785 में प्रयोग किया और प्रयोग करके के नियम प्रतिपादित किया, वही नियम कूलाम का नियम कहलाता है। वही नियम क्या कहलाता है, कूलाम का नियम। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण। समान प्रकार के आवेश होने पर प्रतिकर्षण होता है, असमान प्रकार के आवेश होने पर आकर्षण होता है। इन आवेशों के परिणामों पर कूलाम ने सन 1785 में प्रयोग किया, वह कूलाम का नियम कहलाता है। अब कूलाम ने जब इनकी आवेशों के परिणामों पर प्रयोग किया तो क्या पाया, उस हम नियम को देखते हैं। तो उन्होंने प्रयोग करके क्या दिया देखते हैं। इन्होंने कहा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, जैसे एक बिंदु आवेश ए है और दूसरा बिंदु आवेश ए है, तो इन्होंने कहा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इनका जब हम गुणा करते हैं तो यह अनुक्रमानुपाती होता है और जब इनकी दूरी निकालते हैं तो वह क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जो नियम कूलाम जी ने दिया था वह हम आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं। तो देखें, जो हमने आपको समझाया था वह आपकी स्क्रीन पर है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम देखते हैं इसका व्यंजक। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, ये हमने क्या माने, दो बिंदु आवेश। ये आपको सीधी लाइन खींचनी है स्केल की सहायता से और साथ ही साथ हमने इसके बीच की दूरी R मानी। तो हम क्या लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं और इनके बीच की दूरी
आर है, ये हमने मान लिया, तब कूलाम्ब के नियम से कूलाम्ब जी ने कहा था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान, तो बल क्या होगा या एफ और आवेश क्या होगा ये क्यू वन व क्यू टू, उनकी बीच की दूरी के परिणामों का, परमाणुओं के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसे हमने क्या माना, समीकरण वन। और उनकी पुनः देखें, उन्होंने कहा था कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के परिणामों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये क्या कर दिया हमने, अनुक्रमानुपाती। और साथ ही साथ उनकी बीच की दूरी क्या है, आर का क्या होता है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो ये क्या होगा, इसका व्युत्क्रमानुपाती। इसे हमने दे दिया समीकरण दो। यहां पर लिख देंगे समीकरण एक व दो को मिलाकर लिखने पर, ये हम लिख सकते हैं समीकरण एक व दो से, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने समीकरण एक और दो को मिलाकर लिखा तो यह फिर अनुक्रमानुपाती एक बटे आर स्क्वायर इंटू क्यू वन गुणे क्यू टू, और इसके नीचे कुछ नहीं है। तब हमने क्या मान लिया, एक मान लिया। इतना तो आप सभी से बन ही गया होगा, ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है। तो देखें या फिर कमान क्या निकलेगा, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर। अब यहां पर यह अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती हटेगा तो कि स्थिरांक लग जाएगा और बराबर का चिन्ह आ जाएगा। यहां पर हम चाहें तो कोष्टक में लिख देंगे के बराबर स्थिरांक। चूंकि के बराबर होता है, के बराबर मान जो होता है आपको याद रखना है, या तो के स्थिरांक है या हम लिख सकते हैं नीतांक। चाहे तो अपन स्थिरांक या नीतांक लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे के बराबर है एक बटे, ये आपको याद रखना है, एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, ये आपको क्या रखना है याद। तो हम के स्थान पर इस मान को प्रतिपादित कर देंगे तब यह बराबर प्राप्त होगा एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, और ये मान आपका जहां कहां तहां प्राप्त रहेगा। तो यही आपका क्या है, कूलाम का नियम है। नीचे हम लिख देंगे यही कूलाम का नियम है। यही कूलाम का नियम है। एक बार पुनः देखिए, कूलाम जी ने नियम दिया था कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने माना दो बिंदु आवेश क्यू वन व क्यू टू है और उनकी बीच की दूरी आर है, तब कूलाम के नियम से। तो इनकी गुणनफल का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो हमने गुणनफल का अनुक्रमानुपाती कर दिया, बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो 1/r² कर दिया, दोनों को मिलाकर लिखा तो इस प्रकार कर दिया। ऐसा लिखने के बाद ऊपर का गुणा ऊपर कर दिया, नीचे का गुणा नीचे कर दिया। ऊपर का गुणा ऊपर करने के बाद यहां पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर आ गया, और कि यहां पर एक स्थिरांक नीतांक है। क्योंकि के बराबर होता है इतना, तो हमने के स्थान पर इस मान को प्रतिपादित कर दिया, और जब प्रतिपादित किया तो जो प्राप्त हुआ वही आपका कूलाम का नियम है। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। जो कूलाम के नियम की सीमा है और इसका महत्व है, हम अगले पाठ में उसे कवर करेंगे। जय माता दी।